इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। श्री अयोध्या धाम में यह उत्सव श्री महाराज जी की आज्ञा से, दीदी से मैंने आग्रह किया, यह 50वां अवस्थव श्री सीएपीए मिलन महोत्सव का हम लोग श्रद्धाम अयोध्या जी में इस वर्ष मनाएंगे। आज प्रथम दिन है और शाम को लीला महोत्सव होगा, अब देख रहे हैं। इस उत्सव में श्री सीताराम विवाह महोत्सव प्रधान कार्यक्रम है। वह कार्यक्रम अपने में गोवर्धन है और श्री ठाकुर जी का लीला महोत्सव श्री ठाकुर जी ही संपन्न करते हैं, हम लोग उसी में अंगुली लगाए हैं। श्री महाराज जी का, हमारे प्रातस्मरणीय पूज्य अधिकारी जी महाराज का भाव संकल्प है, तो मैं तो जो प्रार्थना करता हूँ सरकार हाँ कर देते हैं। रचना तो थी कि यह स्वरूप आ जाएगा, परंतु हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सो जाना, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। तो देखें कब तक कृपा होती है, सरकार विराजमान होते हैं। कथा के ही पश्चात आज भगवान भूत भावन का विवाह महोत्सव हम लोग लीला दर्शन में करेंगे और जैसा आप सब जानते हैं कि 1 को श्री सीताराम विवाह महोत्सव होगा, तो 30 की रात का धनुष भंग होगा और 30 के प्रातःकाल फुलवारी लीला इसी प्रांगण में हम लोग करेंगे। बड़ा ही आनंद का उत्सव रहता है। जो त्रेता में संपन्न भया वो हम लोग कलिकाल में दर्शन करके आत्म विभोर हो जाते हैं, अपनी तो दिन रात एक जैसी रहती है। हमारी भी रामकथा की सेवा साथियों के साथ रहती है और ये संभवतः तीसरी कथा है विवाह महोत्सव की, ये तीसरी सेवा है। प्रातस्मरणीय पूज्य श्री मृणालनारायण दास जी भक्तमाली जी मामा जी महाराज, हमारे बड़े भैया प्रातस्मरणीय संत श्री लक्ष्मण सेन जी महाराज, जब भैया जी और पूज्य सरकार थे तो कई बार मेरे को अवसर आया, आश्रम आओ, बक्सर आओ, दर्शन करो, तो हरिच्छा। पर जैसे दीदी ने आग्रह किया कि भैया कथा सुनाओ, सहर्ष हाँ कर दिया, हमारा तो काम यही है। परंतु श्रीधाम अयोध्या जी में यह उत्सव संपन्न होने जा रहा है। आप जितने लोग अपने आए हैं सभी एक परिवार के अंग हैं। थोड़ा अयोध्या धाम है इसलिए जब भीड़ चलती है धाम में तो फिर चलती रहती है, इसलिए इस कथा को लाइव न करके डिलाइव किया जा रहा है कि कहीं कथा सुनकर आनंद में सब लोग यही न आ जाए। हमारे आश्रम में खाने की पीने की व्यवस्था असुविधा नहीं है, संख्या बल बढ़ता है तो रहने की थोड़ी व्यवस्था अव्यवस्था होती है। जो भी व्यवस्था सुलभ है उसको अपना घर समझकर हम सबको उसी प्रेम से एक कमरे में 4 लोग, 5 लोग, 7 लोग रहना चाहिए, चटाई बिछा के उसका कोई जिसको कहीं जगह मिले। हमारे निवास पर दोनों बरामदे खाली हैं, 100 लोग आ सकते हैं, 50 दाएं 50 बाएं, हम तो 3.5 हाथ के आदमी उसी पर सो जाते हैं, चटाई बहुत नहीं चाहिए, पंडाल भी खाली रहेगा, यहाँ भी सो सकते हैं, आवश्यकता जैसी हो कार्यालय में आप बताएंगे। कोई ये शिकायत नहीं करेगा कि सो नहीं पाए और खा नहीं पाए, क्योंकि सरकार की तपश्चर्या है, भंडारा खुला ही रहता है। इसलिए 9 दिन के उत्सव में जैसे हम हमारे घर में जब जाते हैं तब हम अपने घर की क्या बतावें कितनी दुर्दशा होती है,
सभी अपने घर में हर हाल में मौज में रहते हैं, ये अपना उत्सव है और अपनी गति है मति की। इसलिए प्रथम दिन ही हम आग्रह करते हैं, ये नहीं है वो नहीं है इसकी कोई शिकवा शिकायत नहीं करेगा। जैसे बेटी के विवाह में, बहन के विवाह में भाई और बाप बिना खाए पिए मजा आनंद रखते हैं, वैसे रहने का नौ दिन अभ्यास कर लो आप, कोई कष्ट नहीं होगा। बाल भोग नहीं मिला, दोपहर में कम पड़ गया, सब्जी थी नहीं, ये होता है जब बहुत परिवार बढ़ता है ना, तो सब्जी की जगह टमाटर की चटनी चलने लगती है। भरे मिर्चा में पानी डाल के रोटी हमने बहुत दिन खाई है, जब कथा प्रारंभ किए क्या पकवान आज न लोग लेके खड़े हैं, उन दिनों की स्थिति ऐसी नहीं थी। तो भाई तो इसलिए उत्सव का आनंद स्वीकार करिए, अव्यवस्था न बताइए, जितना है उतना पर्याप्त है, खूब आनंद लीजिए। कथा होगी, कथा के बाद आप आधे घंटे की फुर्सत में रहेंगे, ठीक 7 बजे लीला प्रारंभ हो जाएगी और 11 बजे तक चलेगी। जिसको बहुत भूख लगती हो बीच में जाकर के भंडारे में प्रसाद ले लेगा, यदि भूख पर बस हो लीला में आनंद आए तो फिर लीला दर्शन के बाद प्रसाद होगा। स्वास्थ्य को देखते हुए आपको जैसा हो उनको लो आप करिए, यहाँ इसका कोई टेंशन नहीं है, खूब आनंद है। आप 12 बजे भी पाएंगे तो मिलेगा, सरकार की व्यवस्था ऐसी है। लीला दर्शन करने आए हैं, कथा तो निमित्त है आनंद का, आइए बहते हैं। आप जानते हैं हम लोग पूरी दुनिया में कथा सुनाते हैं, कौन सी कथा? राम कथा। तो प्रणाम करते हैं, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, अरे इसे श्रवण कर मिट जाती है, सौ जन्म जन्म की व्यथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। गोस्वामी जी कहते राम कथा कलिका मद गाई, सुजन सजीवन मोर सुहाई, राम कथा कलिका मद गाई, सुजन सजीवन मोर सुहाई, बुद्ध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कल कल सभी बुद्ध विश्राम परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, श्री नारद कर जथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय 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 श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, ओ जन्म जन्म की व्यथा, जय जय राम कथा, बोले।
मोह मही शेष विशाला राम कथा का लिखा कर शशि किरण समाना संत चकोर करई जे पाना राम कथा शशि किरण समाना संत चकोर करई जे पाना नीकर तू भी अमर हो जाए नीकर तू भी अमर हो जाए काकर तू भी अमर हो जाए काकर हनुमंत जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जिसे श्रवण कर मिट जाती है जिसे श्रवण कर मिट जाती है इसे सादर सुन गिरिराज कुमारी राम कथा करि बिटप कुठारी सादर सुन गिरिराज कुमारी राम कथा सुंदर कर थारी संशय बिहुड़ाव निहारी राम कथा सुंदर कर थारी मेरा सब संशय भागेगा तेरा सब संशय भागेगा तेरा सब संशय भागेगा माँ पार्वती कर जथाओ जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जी कारण आयो सो सब भय तरस तब पाए सुनो तात जी कारण आयो सो सब भय तरस तब पाए देख परम पावन तव आश्रम गयो मोह संशय नाना देख परम पावन तव आश्रम गयो अब श्री राम कथा अति पावन सदा सुखद दुख पुण्यन अब श्री राम कथा अति पावन सदा सुखद दुख पुण्यन सादर तात सुनावहु मोहि सादर तात सुनावहु मोहि बार बार बिनवहु प्रभु को श्री राम कथा जय राम कथा
श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, प्यारे इसे इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।